मैं आपकी जयश्री अयंगार परिक्रमा में आपका स्वागत है। माना जाता है कि अगर 100 पुस्तकें पढ़ते हैं तो ज्ञान वृद्धि होती है, लेकिन अगर आप भ्रमण करते हैं तो 1000 पुस्तकें पढ़ने के समान है। विद्वानों का मत है और सही भी है। हुआ एक बार ऐसे कि मैं सफर कर रही थी, यात्रा कर रही थी और एक जगह पर गाड़ी रुकी। देखा वहां पर एक महिला और अपने ट्रेन में चढ़ी। वहां पर उसका बेटा वहां पर उसे छोड़ने के लिए आया था और ये महिला माँ ही होगी वो लगातार रोए जा रही थी। बेटा ही था वो, उसे बार बार समझा रहा था आप आराम से रहिए, मेरी चिंता मत करिए वगैरह। ट्रेन छूट पड़ी, इस महिला का रोना रुका ही नहीं। बगल में ही एक महिला मेरे साथ में थी, वो भी यात्रा कर रही थी। एक आधे घंटे तक वही चुपचाप रही, मैं भी लगातार उस महिला को देख रही थी। मैंने समझाने की कोशिश की पर वो महिला चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इस महिला ने बड़ी शांतता से एक गिलास पानी थामते हुए इस महिला से कहा, बहन जी आप इतना रो रही है सही है, क्या आपको छोड़ने के लिए आया हुआ व्यक्ति था क्या वो उतना ही दुखी है? ये महिला फिर रोने लगी, पर ये प्रश्न मेरे मन को छू गया। मैंने सोचा सही है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी नजरों से दुनिया को देखते हैं। मैं इसके बिना जी नहीं सकती या मेरे बिना उसका जीवन हो ही नहीं सकता है। अरे वो मेरे बिना कैसे रह पाएगा? सिर्फ माता पिता के या बेटे के संबंध के बारे में मैं ये नहीं कह रही हूं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, मित्र का हो, परिवार का हो, जो भी रिश्ता हो, हम एक तरफा मान के चलते हैं कि मेरे बिना इसका कुछ नहीं होगा। एक तरफा प्रेम किस काम का, सवाल अपने आप से पूछिए। जो हम प्रेम जताते हैं क्या वहां से वह प्रतिध्वनित नहीं होना चाहिए? जब माँ की आंखों में आंसू आते हैं तो क्या पुत्र को वह दर्द महसूस नहीं होना चाहिए? या बहन अगर वहां पर कहीं रोती हुई खड़ी है तो क्या भाई का मन कचोटना नहीं चाहिए? अड़ोस पड़ोस के लोगों को लेकर जब हम परेशान होते हैं तो क्या अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी हमारे प्रति वही भाव होने नहीं चाहिए? जो भी हो प्रतिध्वनित होना चाहिए। जो ध्वनि आपकी होती है, अगर आप प्रेम बांटते चलते हो, प्रेम परोसते हो, तो क्या प्रेम की अपेक्षा करना गलत है? इस कहानी के माध्यम से मैं आप तक ये संदेशा पहुंचाना चाहती हूं कि आप किसी के भी साथ में हो, चाहे वो कोई भी संबंध हो, वह बहुत नजदीकी का, करीबी का संबंध हो, दूर का हो, आप अकेले उनके प्रति जितने भावुक होते हैं क्या वो लोग उतने ही भावुक होते हैं, ये सोचना बहुत जरूरी होता है। और जब उसका उत्तर विरुद्ध अर्थ में आ जाता है तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है। इसीलिए ठेस से पहुंचने के लिए या बचने के लिए सोचना जरूर चाहिए कि मैं जो दे रही हूं, जो मैं प्रेम परोस रही हूं, क्या उसके बदले में, ऑफ कोर्स कहा जाता है कि प्रेम या स्नेह जो है बदले के बिना या किसी की अपेक्षा, फल की अपेक्षा किए बिना करना चाहिए, सही है, पर ये कोई व्यापार तो नहीं है। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्रेम बांटते चलो, हाँ, पर प्रेम जो दूसरा वह बांट रहा है या नहीं है इसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है, वरना खामखा हम ही अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। इस हानि से बचने का एक ही उपाय है, एक बार दो बार आप प्रयत्न करके दीजिए, अगर देखिए कि वह व्यक्ति भी आपके साथ उसी तरह का बर्ताव करता है तो आगे बढ़िए, वरना वहीं पर रहकर हंसते हंसते उसे
विदा कीजिए। धन्यवाद।